गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये वीडियो में मैं एरोमा मैजिक के फेस वॉश के बारे में बात करूंगी। और मेरे पास यहाँ पे नीम एंड टी ट्री का ये फेस वॉश है और आई वुड से ये जस्ट एंड तक पहुँच चुका है। और मेरा इस प्रोडक्ट के साथ एक्सपीरियंस क्या रहा है और कुछ डिटेल यहाँ हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये प्रोडक्ट जो है एक्ने कंट्रोल करने के लिए, ऑयल बैलेंसिंग के लिए है। और सबसे पहले क्विकली मैं आपको बता दूँ, एरोमा मैजिक के प्रोडक्ट्स जो होते हैं बेसिकली हर्बल होते हैं, पैराबीन फ्री, सोप फ्री, अल्कोहल फ्री, आर्टिफिशियल कलरिंग फ्री एंड फ्रेग्रेंस फ्री होते हैं। और ये प्रोडक्ट जो है इसके अंदर रोज एक्सट्रैक्ट भी है। तो जब आप इस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, इसका जिस तरह से टी ट्री का फ्रेग्रेंस रहता है, नीम का फ्रेग्रेंस रहता है और थोड़ा बहुत रोज का भी फ्रेग्रेंस इसके अंदर है। इसमें लिखा है आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस नहीं है, बाकी नेचुरल जो प्रोडक्ट के रहते हैं नीम का, टी ट्री का, वो सब इसके अंदर है। नीम असेंशियल ऑयल इसके अंदर डला हुआ है और ये एक्ने को क्योर करता है एंड स्किन सूद आउट द स्किन इरिटेशंस। एंड इसमें लेवेंडर असेंशियल ऑयल भी है जो स्किन के अंदर शाइनिंग और ग्लो और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और मैं कुछ इसके बारे में बता देती हूँ, ग्लिसरीन भी है इसके अंदर, एक्वा भी है एंड काफ़ी अदर नेम्स भी हैं इसके अंदर। तो कुछ सिट्रसी लाइक सिट्रस ऑयल काइंड ऑफ स्टफ भी है। और ब्लॉसम कोचर के प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ, ये एनिमल टेस्टिंग नहीं करते हैं, दैट्स अ गुड पार्ट। एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेसिकली एरोमा मैजिक के बनाते हैं। तो अगर आपने कभी प्योर स्टफ लाइक अभी तक केमिकलाइज्ड फेस वॉशेस ट्राई कर रहे हैं और चाहते हैं अपने फेस के लिए एक इजी सूद आउट फेस वॉश ट्राई करना, तो एरोमा मैजिक का रेंज एक अच्छा रेंज हो सकता है। इसके बाकी वेरिएंट्स भी अवेलेबल है, लाइक ऑयली स्किन के लिए भी अलग है, लाइक ड्राई स्किन के लिए भी अलग है। काफ़ी सारे पैक्स इसके आते हैं और आई वुड से क्रीम्स भी आती हैं, बट एरोमा मैजिक के अंदर अभी राइट अवे मैंने केवल ये फेस वॉश ट्राई किया है एंड आई वुड से डेफिनेटली एक्नेस को स्टॉप करता है और ऑयल को भी बैलेंस करता है। आपको आई थिंक 12 आवर्स तक ऑयल सिक्रेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। और इसको मैंने अप्रॉक्स दिस ईयर ओनली ये ट्यूब पूरा फिनिश किया है। थोड़ा बहुत अगर रिमेनिंग रह जाता है तो समहाओ इधर उधर कहीं ये बॉटल हो जाती है तो समहाओ लेकर के मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। बट इसका आई वुड से जब मैं ओपन करती हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टी ट्री का एसेंशियल ऑयल का इसके अंदर फ्रेग्रेंस है, नीम का फ्रेग्रेंस है, जो कि बहुत प्लीजेंट लगता है। और वहीं बात करूँ फेस पे लगाने के लिए, अच्छा खासा लेदर करता है, तो ये काफ़ी सारे पैरामीटर्स को पास करता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा हाई केमिकलाइज नहीं है ये। तो हम बात करेंगे एक अच्छा मॉइस्चराइज़र नहीं बोलेंगे, एक अच्छा फेस वॉश है, इकोनॉमिकल भी है। ये 145 रुपीज़ का पड़ा था और आई थिंक ये 50 ग्राम का ये प्रोडक्ट होगा इसके अंदर। इसके अंदर मैं देखती हूँ कहाँ मैं, नहीं, 100 ml का ये ट्यूब है और 145 का है, तो दैट इज़ क्वाइट इकोनॉमिकल जो ये क्वालिटी ऑफर करता है। तो अगर आपकी एक्ने प्रोन एंड ऑयली स्किन है तो जल्दी से जाइए इसको ट्राई कीजिए और बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये अरोमा मैजिक का फेस वॉश आपको कैसा लगा। बिकॉज एक्ने प्रोन एंड ऑयली स्किन का जो प्रॉब्लम रहता है लिटरली बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है स्किन को, तो कुछ ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स ट्राई करना। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। मुझे लगता है कि आपको ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आएगा, वहीं ये स्किन पर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी नहीं करेगा इसके नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स होने की वजह से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।